कब आएंगे? आते ही होंगे। समझ में नहीं आता आदमी बड़ा है या भगवान। देखो, भगवान भी भक्तों के सामने झुक जाते हैं। अपने को क्या करना है, बस एक फोन कर लेते ना। कितनी बार फोन करोगे? आ रहा हूँ भाई। अरे आ रहा हूँ बाबा। भाई मंदिर से बार बार फोन आकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं भाई। मने भाई अंदर अपनी पत्नियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो खिंचवा कर ही आएंगे, समझा क्या? नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। अरे आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे फोटो भी खिंचवा लो और खाना भी खा लो, फोटो खिंचवाने के लिए आ जाओ। सर और कोई है फोटो खिंचवाने के लिए? क्या रे मजाक कर रहा है हमसे? ऐसी बात नहीं है सर। ऐसे थोबड़े वाले को इतनी इतनी बीवियां मिली इसलिए मजाक उड़ा रहा है? नहीं भाई, कसम से कहता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। ए, मेरा थोबड़ा देख के तेरे दिल में क्या आ रहा है समझ गया मैं। इतनी सारी औरतों से शादी क्यों की मैंने, बता देता हूँ मैं। 2 साल हुए बच्चा नहीं हुआ, क्या करूँ सोच कर पहले मैंने इससे शादी की और नाम है बसंती, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो इससे शादी की, क्या नाम है? पद्मश्री। तो इसको भी पेट नहीं आया तो मैंने इसके साथ शादी की, पर इसके पेट में दर्द नहीं आया और ये सिलसिला चलता रहा। बस इन्हें मैं झेल रहा हूँ भैया, इन सबके गहने बनवा रहा हूँ और फोटो खिंचवा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब खोट तेरे ही अंदर है तो बच्चा कैसे पैदा करेगा? क्या बे, खोट मेरे अंदर है, बच्चे कैसे पैदा होंगे यही सोच रहा है ना तू? आपके अंदर खोट कैसे होगा? सुन ले, गलती मेरे अंदर थी और जब मुझे पता चला तब तक तो भैया 7 गलतियां हो चुकी थी। मंदिर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए। ए, मैं अपनी बीवियों के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, समझे? समझा करो भाई, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। करने दो, वो जितना इंतजार करेंगे अपना वेट बढ़ेगा। अरे भाई वहाँ तो एक ही देवी है लेकिन यहाँ पर 7-7 देवियां एक साथ हैं, साल में एक बार श्रृंगार करती हैं, फोटो तो खिंचवानी पड़ेगी भैया। भाई साल में एक ही बार तो, बाकी के दिन तो फैमिली मैटर में टांग मत अड़ाना, चल हट भैया, फोटो खिंचो। ए, चलो हटो, आई को साइड। नमस्ते नमस्ते। हे कामाक्षी माता मुझे क्षमा करो। ए पंडित जी, थोबड़ा क्यों लटकाया है? जो कर देखता हूँ क्या, थोबड़ा बदल दूंगा तेरा। Are you Mr. Dwell Money? हाँ हाँ मैं ही हूँ डावेल मनी, पर माँ बाप ने मेरा नाम रखा था मणि रत्नम क्लास और जनता ने मेरा नाम दिया डावेल मनी, समझ गए? क्या काम है आपको? I'm Central Excise Officer Mr. Roy. हमने आपके 14 गैर कानूनी शराब ले जाने वाले ट्रक को पकड़ा है। अरे भैया मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, एक और किया तो क्या हुआ? चोरी से शराब बेचना गलत है। शराब पीना भी एक जुर्म है लेकिन लोग पीते तो हैं, क्या कर लिया? अरेस्ट मत करो, अरेस्ट वारंट है, हमारे साथ चलो। ए, तुम किसको अरेस्ट करने आए हो? तुम लोग भाई को हाथ तक नहीं लगा सकते, आज तक भाई को किसी ने छूने की कोशिश नहीं की। अरे भाई तुमको राख बना देगा राख, समझा कि नहीं? समझा कि... शट अप। इंग्लिश किसको बोलते हैं? इंग्लिश मुझे भी आता है। अरे सुनो सुनो, देखो भैया हम आपको अरेस्ट नहीं होने देंगे। मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो अरेस्ट कर लो, घबराने का कोई बात नहीं है, मैं जेल जा रहा हूँ लेकिन वहाँ से जल्दी आऊंगा, समझे? मेरे गैर हाजिरी में ये गहने वहने मत पहनना, समझे? छोटे, पुलिस ने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो, समझ गए ना? समझ गया भाई। पूजा आपके हाथों से करवानी पड़ेगी। इस शहर में पूजा? भैया बंद करो दरवाजा। भक्त लोग मंदिर के अंदर हैं, वो लोग कब बाहर आएंगे? मनी भैया जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मंदिर का दरवाजा तो क्या, पूरा शहर बंद। ये शहर वालों बंद करो, बंद कर दो, किसी को भी मत छोड़ना, सबको मारो, सबको तोड़ डालो, सबको मारो। ये बंद करो, सारी दुकानें बंद कर दो। ये किसी को छोड़ना मत, सबको मारो।
भाई ये एरिया छोड़कर कहीं और चलते हैं। अबे क्यों भाई, ये शहर बंद करवा दिए ठीक है, ये एरिया छोड़ डालो, यहाँ सांबा नाम का एक आदमी रहता है, जब वो मारता है ना तो नारियल की तरह फोड़ता है। अपनी खैरियत चाहते हो ना तो यहाँ यहाँ से भाग चलो भाई, चलो भाई चलो। नहीं, गए काम से। देखो भाई, तुम्हें चाहिए तो पूरा शहर बंद कर दो, पर ये साड़ियां बेचने वाली कॉलोनी छोड़ दो। लोग यहाँ दूसरे शहर से साड़ियां खरीदने के लिए रोज यहाँ आते जाते रहते हैं, वो बंद हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये कॉलोनी छोड़कर चले जाइए। शंभु शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय। भाई अपना टाइम अच्छा है कि वो नहीं आया, चलो यहाँ से निकल लेते हैं, चलो। भाई सांबा आ गया। तुम इस बच्चे से डरते हो? साड़ी वालों को छोटा मत समझना वरना चीर के रख दूंगा। भाई इसे छोड़ दो, इसने 2 लाख रुपए की साड़ियां चलाई, उसका नुकसान भर के पैसे देके से ले जाना। मैं पैसे लेकर आता हूँ, आप इसे पकड़ कर रखो। सुनिए पंडित जी, इंसान को भगवान पर नहीं बल्कि भगवान को हुकुम चलाना चाहिए। कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। क्या नाम है तुम्हारा? सांबा। अपनी धुन और सरगम सांबा, इस सांबा। झूम झुमारे झूम झूम झूम, सारी दुनिया में है धूम, जिसके नाम की है वो कौन? सांबा, ए सांबा। सब जान ले, सब जान ले, हम ही है वो, पहचान ले, हम ही है वो,
जिससे यारी ठनी उसके संखूब बनी शामक उसकी जिसने की दुश्मनी थोड़ी अच्छाई भी थोड़ी सच्चाई भी है अपने दिल में यारों थोड़ा प्यार भी हो ढम ढमारे ढम 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 ढमारे ढम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम झूम तुम्हारे झूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन सांबा ए सांबा शहजादा करता हूँ जो वादा हर हाल में पूरा करके रहूँ वादा मैं तो अपना हो जब फैसला कोई लो परवाह कोई ना करो दांतों तले मैं चबा जाऊँ लोहे का भी चना प्यार का वार का सबका जवाब है यहाँ वार का प्यार का सबका जवाब है यहाँ ढम ढमारे ढम 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 ढमारे ढम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम सांबा ए सांबा झूम झुमारे झूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन सांबा ए सांबा रूप है एक छाओ एक धूप है हम भी यहाँ मिलता है और मिलती खुशी भी यहाँ हो जो ना मगर हारे हाँ बाजी वो मारे जो हारते हारते जीत जाए वो बादशाह फिर तो कर लो यकीन दूर मंजिल नहीं कुछ भी है मुश्किल नहीं फिर तो कर लो यकीन दूर मंजिल नहीं कुछ भी है मुश्किल नहीं ईश्वर का हाथ हो हिम्मत का साथ हो पल भर में बन जाए सब मुश्किलें आसान ईश्वर का हाथ हो हिम्मत का साथ हो पल भर में बन जाए सब मुश्किलें आसान हो ढम ढमारे ढम 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 ढमारे ढम 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 छेड़े अपनी धुन और सरगम झूम झुमारे झूम 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 सारी दुनिया में है धूम जिसके नाम की है वो कौन सांबा ए सांबा हेलो मिस्टर जरा इन इंजेक्शन देने में मदद कीजिए नहीं सिस्टर आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन फायदा नहीं होने वाला मैंने कितनी बार समझाया कि सांबा का एरिया छोड़ दो लेकिन नहीं मानते हैं अब नतीजा देखो हाथ पैर तुड़वा के हॉस्पिटल में लेटे हैं वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि कोमा में नहीं गए भाई भाई मनी भाई को 2 महीने की सजा हो गई अच्छा 2 महीने की ये तो 2 साल बेड पे लेटा रहेगा और बड़ा भाई जेल काटता रहेगा क्या हो रहा है ये हॉस्टल है या क्लब समझ रखा है हॉस्टल समझ रखा है या क्लब समझ रखा है जो नाच गाना कर रही थी यही कहना चाह रही थी ना आप हिंदी में वो क्या है ना ये गाना बहुत पॉपुलर है इसलिए मैं गा रही थी शट अप इसीलिए मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं इसीलिए मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है हिंदी में मैं इसके बाप से बात करूंगी ये तुम्हारे बाप से बात करना चाहती है डैडी से
हेलो, मैं गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मनोरमा बोल रही हूँ। मुझे आपकी बेटी के बारे में कंप्लेंट करनी है। आपकी बेटी ने यहाँ हंगामा करके रखा हुआ है। सुनो वरदराज, मैम तुम जरा इन्हें अच्छी तरह समझा दो। समझाने का तो पगार मिलते ही नहीं है। तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? हिंदी में, भोजपुरी में? हिंदी में। गर्ल्स हॉस्टल का वॉचमैन वरदराज। हाँ बोलिए। क्या बोलूं? उनको बोलो उनकी बेटी परेशान कर रही है। आपकी बेटी कमल की है। इसने हॉस्टल को बिगाड़ के रख दिया है। उसने यहाँ सबका दिल जीत लिया है। इस हॉस्टल को डिस्कोथेक बना के रख दिया है। इस उम्र में जब देखो पढ़ाई करते रहती है। जरा मेरी बेटी को फोन दीजिए। बेटी, डैडी से बात करो, अब डांटेंगे। डैडी, अच्छी बात है। हेलो डैडी। बेटा, तुमने नासिक में हंगामा किया तो पूना भेज दिया, पूना में हंगामा किया तो मुंबई में एडमिट करवाया, अब इस शहर में भेजा है पढ़ने के लिए। अब तुम यहाँ भी हंगामा करोगी तो पूरे देश में कोई भी हॉस्टल नहीं बचेगा बेटा। मैंने कोई हंगामा नहीं की डैडी। बेटी, तुम कुछ मत बोलो। इस वक्त तुम्हारी वार्डन ने फोन किया है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। फोन रख दो। ओके डैडी। अब आया समझ में? बढ़िया ही झलक दिखलाने वाली। वरदराज चलो मेरे साथ। जाइए मैडम, मैं आता हूँ। मेरी फीस। किस बात की फीस? मेरे से चीटिंग? मैं जाकर मैडम से बोल दूंगा। तो बोलो ना, अच्छी तरह क्लास लेगी तुम्हारी। आई विल सी यू संध्या, इंग्लिश में। निकल लो, हिंदी में। वॉचमैन वरदराज के साथ धोखा छोड़ूंगा नहीं। अरे इस औरत को छोड़ना नहीं चाहिए, इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम हमें करना ही चाहिए। जरूर करूंगी। कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो हमें निकालना होगा। तुम्हारा लकी नंबर क्या है? 2। और तेरा? 4। और मेरा 3। और मेरा 4। लेकिन क्यों? बताती हूँ, मेरा 3। 24343। हेलो, इज इट 24343? यस, 24343। आपको कौन चाहिए? आप चाहिए। क्या? मैं चाहिए? मैं दिल में आप ही आप हैं। माय हार्ट इज बीटिंग, समवन इज चीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। सुपर्ब। थैंक यू। हम सहेलियों ने लकी नंबर निकालकर फोन ट्राई किया और लकीली आप मिल गए। लक तुम्हारा नहीं, लक तो मेरा है। कौन है? आ? अमेरिका से है, पर्सनल है, तू जाकर सो जा। कौन है? नौकर है। नहीं भाई, मैं अपने आप को बोल रहा था। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। इस उम्र में तो हर लड़कियों की आवाज खूबसूरत ही होती है। आपकी उम्र क्या है? वो क्या है ना कि परसों ही मेरी उम्र 20 बरस की हुई है। मतलब आज का दिन हम लोगों के लिए लकी है। हम लोग बोले तो आप लोग कितने हैं? 5 सहेलियां हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोज डिप्स मारता हूँ, जिम करता हूँ, जिम में सारे लोग मुझे जिम बॉय कहते हैं, बहादुर कहते हैं। वाओ, आपसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। आज की रात मिलने की तमन्ना है। ऐसी बातें मत कीजिए। ये बोलिए मुझे कब और कैसे और कहाँ आना है, बोलिए, मैं आ जाऊँगा। हाँ, आपको गर्ल्स हॉस्टल मालूम है? मालूम है। अरे क्या बात है भाई, नई चप्पल, नए जूते, नई शर्ट, नया सैंड, सब नया है, बस एक तू ही पुराना है। बढ़िया, क्या बात है, आखिर बात क्या है? वॉकिंग पे जा रहा हूँ। वॉकिंग पर जाने के लिए सैंड क्यों? ताकि वॉश ना हो, और तुम्हारी उम्र बच्चे सैंड के बारे में जाने के लिए नहीं है। बच्चे हो तुम, जाओ बेड पर जाकर सो जाओ। राजपाल यादव, जाओ दोस्त जाओ, लगे रहो। हॉस्टल के गेट के पास राइट जाके लेफ्ट आएगा, रूम नंबर 12। अंदर आना खतरा है। रिस्क मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अरे मैं अंदर जाके सबकी छुट्टी कर दूंगा। अरे दरवाजा तो खुला है, आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी जाकर देखता हूँ। वो देखो अंदर गया, अब मजा आएगा। फोन पे तो 5 बोली थी। क्या सेहत भाई है, मस्त आइटम है। डॉर्लिंग, 24343 आ गया। तुमने ही तो फोन किया था ना, 24343, मैं वही हूँ। आंखें खोलो। अरे ऐसे कुछ आपकी खा जाऊंगा क्या? अरे क्या करती हो? अरे बच्चा, अरे अरे तुम आ रही हो? अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे फुलंदे भी, अरे छोड़ दो ये, अरे क्या करती हो? अरे 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 क्या हाथ है क्या? अरे 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 पुतली भाई, अरे क्या सब मारा है? अरे छोड़ दे मुझे। अरे कमर गई मेरी। चलो चलो। व्हाट हैपेंड इन इंग्लिश? हिंदी में बताती हूँ। ए ए
ये क्या हो गया? उसकी छुट्टी करनी थी, यहाँ तो इसकी छुट्टी हो गई। अरे बाप रे, क्या इसीलिए बुलाया था? My heart is beating. टू फोर थ्री फोर थ्री। दिस नंबर इज टेम्पररी डिस्कनेक्टेड। टुंग टुंग टुंग। पूरा बदन तोड़ डाला उस WWF ने। क्या बात है भाई, आखिर हुआ क्या है? कल तो बड़े शौक से सेंट लगा रहे थे और आज डिटॉल लगा रहे। वाला सेंट रिएक्शन कर गया था ना, सो मलहम लगा रहा हूँ। कल तो बड़ी स्टाइल से वॉकिंग पर गए थे ना? गया तो था वॉकिंग पर अच्छा खासा पैकिंग करके भेज दिया। जो हुआ सीधे सीधे बताओ ना। एक्सीडेंट हो गया, वॉकिंग कर रहा था, लॉरी ने आके धक्का मार दिया। ड्राइवर लड़की थी या लड़का? बहुत भारी थी। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि किसी लॉरी ने टक्कर मारी? तुमको क्या पता, जहाँ लगना था वहाँ लगा। ठीक है, वैसे भी मैं छोटा हूँ, जानकर क्या करूँगा, चलता हूँ। ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। अरे कोई आके फोन उठाओ। बाहर जा रहे हो बेटा? आज एक तारीख है ना, पुलिस स्टेशन जाना है। समय कब खत्म होगा बताया? नहीं, आज बताने वाले हैं। नमस्कार सर। हाँ, और सांबा कैसे हो? अच्छा होता तो यहाँ क्यों आता सर? 2 महीने की बात है, छूट जाओगे। दुर्गा, रजिस्टर लेके आना, अगले 15 अगस्त को तुम यहाँ से जा सकते हो, तब तक तुम्हें यहीं रहना है। 15 अगस्त तक, इसका मतलब 3600 घंटे तक, यानी 2,16,000 मिनट बिताऊंगा, एक एक मिनट। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ अपने पूर्वजों की और 36 करोड़ देवताओं की, आपकी आशा मैं पूरी करूंगा पिताजी। उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ और मारने को भी, ये मेरी कसम है। नो नो, अरे बाप रे, अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अरे रुक जा। अरे भगवान, क्या हुआ रे? ये कोई भूत थोड़ी है, फोन की घंटी है, उठा क्यों नहीं रहा है? हाथ मत लगाना, तुम्हें फोन की घंटी सुनाई पड़ रही है मगर मुझे हॉरर सुनाई दे रहा है। क्या बात करता है? हाथ लगाओ वरना जिंदगी में कभी। अरे चल हटना, उठाने दे। अरे हेलो हेलो, 24343? यस 24343, क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए। मैं? किस लिए? दिल में आप ही आप हैं। अच्छा, दिल के अंदर बहुत अरमान है, सीधे सीधे बोलना क्या चाहिए। आप आएंगे ना? ऐसा मौका कौन खोना चाहेगा डार्लिंग, जरूर आऊंगा। भाई बैठो, रात में 11 बजे लेडीज हॉस्टल में बुलाया है ना? हाँ भाई। दरवाजे से पलटते ही रूम नंबर 12 होगा, ऐसा बोला है ना? अरे बिल्कुल भाई, तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, वहाँ पर बड़ी बड़ी लोडेड लॉरियां होती हैं जिनमें कोई ब्रेक नहीं होता, इंसानों के ऊपर डायरेक्ट चढ़ जाती है। उन गाड़ियों को ब्रेक कैसे लगाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो जा बच्चे। अरे कौन है वहाँ? हिंदी में कौन है वहाँ? भोजपुरी में? मैं आपका वॉचमैन वरदराज, ऑल लैंग्वेज। अब आएगा मजा। बताता हूँ, एक एक की छुट्टी कर दूंगा। क्या हुआ? अभी तक मैडम के रूम से कोई आवाज नहीं आई, कहीं अंदर कुछ हुआ तो नहीं होगा? हाँ, तुम दोनों जाओ, जाकर देखो। चलो, चलो। ये दोनों भी वहाँ जाकर बैठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों आपस में मिल गए? हाँ, तुम दोनों जाओ देखो। ए, कौन हो तुम? अरे बाप रे, कितनी सुन 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 सुन, कितनी सुंदर लड़की हो तुम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो शॉक्ड रह गया, मेरी मेरी तो जबान से आवाज ही नहीं निकल रही। तुम जाओ, मैं कितने जाओ यहाँ से। 24343 यही बोली थी ना? आ जाओ, आ गया। तुम जाओ यहाँ से। इतनी नादान बनती है, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना?
शर्ट पहनकर मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उतार रहा हूँ। दरवाजा खोलो, यहाँ अंदर क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो भाई, अंदर क्या चल रहा है हिंदी में? तेरा मजा मैं पूरा करता हूँ, चला जा। अच्छा चला चला, मैं मजाक नहीं करूंगी, जाओ तू। अच्छा क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा था? ये मैडम, उधर मेरे कपड़े उतार दिया, इधर अपने कपड़े उतार लिया। इसे लॉज समझ रखा है क्या? ठीक है, लॉज लगता है क्या हिंदी में? मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ आने का शौक नहीं है, इसी ने फोन करके बुलाया, इसी से पूछ लो। संध्या क्या ये सच है? मैडम वो देखो, हमारे देश में औरत की बहुत इज्जत की जाती है, ये फालतू काम करके तुम उसे बर्बाद मत करो, मजाक करो पर मजाक मत बनो, याद रखना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है शाम्बा, शाम्बा शिवारेड्डी। सबक सिखाने का तरीका गलत था, इसकी माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। कल सुबह तक हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई? कल सुबह हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई हिंदी में? वर्दा मुंह बंद रख। वर्दा मुंह बंद कर, नहीं आइए मैडम। कौन था वो इतना हंगामा मचा दिया? ए उसे कुछ मत कहना, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानती। He's a great man। तुम उसको जानती हो? जानती हूँ, वो गरीबों का मसीहा कहलाता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे अरे पूरा सामान लेकर इधर आ गई, इधर ही रहने के इरादा है क्या? बिल्कुल सही सोचा है, 24343 ये सामान जरा अंदर लेकर जाओ। क्या बोल रही हो तुम, इस घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं रह सकती। देखो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, अगर तुमने मेरा सामान अंदर नहीं रखा तो तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा कर रहूंगी। अरे बाप रे, भाई वो गणेश कहाँ है? ओ लेडीज हॉस्टल, क्या बात है, आप यहाँ क्यों आई हैं? नमस्ते सर, कल रात जो आपने हंगामा किया ना, इसलिए वार्डन ने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया सर। क्या वार्डन ने तुम्हें सचमुच निकाल दिया? सच में निकाल दिया, एक तो अकेली लड़की ऊपर से जवान, जाऊं तो कहां जाऊं समझ नहीं पाई, इसीलिए यहां चली आई। अगर आप मुझे अपने घर में रख ले तो। मेरे घर में? देखो मेरे घर में कोई जगह नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, दूसरी जगह ढूंढ लो। बाहर रहूंगी तो मेरी इज्जत को बहुत खतरा है सर। सर क्या तेरे बॉडीगार्ड हैं? है? चल चल निकल इधर से चल। बस 3 महीने के लिए मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी सर, नहीं तो मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी सर। प्लीज आप मुझ पर ना सही, मेरी पढ़ाई पर तरस खाइए सर, आप मुझे यहाँ रहने दो प्लीज। भाई इसकी बातों से पिघलना मत, ये तेजाब है तेजाब। जाने दो ना भाई, अकेली लड़की है। देखो वैसे मैं अनजान लड़कियों को नहीं रखता, पर तेरी पढ़ाई का मामला है इसलिए रख रहा हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। भाई हाँ। इसका सामान अंदर रख दो। ठीक है। बाप रे बाप, क्या नाटकबाज लड़की है। वाओ कितने अच्छे साड़ियां। अरे हाथ मत लगाओ, फिर से साफ करना पड़ेगा। शट अप। कौन है ये लड़की? अभी अभी लेटेस्ट शहर में आई है पिताजी। नमस्ते जी, मेरा नाम संध्या है, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए शहर आई हूँ, हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। पढ़ाई का नाम सुन लिया तो सांभा ने इधर घर पे रहने के लिए हामी भर दिया। सांभा ने कहा? हाँ। ठीक है इसे अंदर ले जाओ। हाँ लेकर जा रहा हूँ, इधर से ऑर्डर आ गया, उधर से ऑर्डर आ गया, लेकर जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकर जा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर तो मानना ही होगा। रेस्पेक्ट, इज्जत, इधर सब लोग मुझसे इज्जत से बात करते हैं। हाँ। जी लगा कर बात करते हैं, कोई अरे कहकर बुलाता है तो मेरा खून खोलने लगता है। ऐसा क्या? कम से कम इस एरिया में तो इज्जत से बात करती है। रसोई घर कहाँ है? रसोई में तुम्हारा क्या काम है? गृह प्रवेश किया है ना, दूध उबालूंगी फिर उसका खीर बनाऊंगी। क्या खीर? नहीं हमारे सांभा को दूध खीर पसंद नहीं। देखो ये खीर कोई मामूली खीर नहीं, ऐसा खीर बनाऊंगी कि सांभा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो खीर नहीं खाएगा। तुम चैलेंज करते हो? चैलेंज ठीक है, मैं हार गई तो तुम्हें लिफ्ट ही लिफ्ट भेज दूंगी, तुम हार गए तो तुम मेरे सारे कपड़े धोगे। ओके देन? तुम्हें पहने हुए कपड़े समेत धो डालूंगा। लाइफ बॉय से मुंह धोकर क्लोजअप से दांत धोया है, किसके लिए रेडी होना? ओ मेरे सपनों के राजकुमार, जरा अपनी लुंगी को संभालो। एक बात बोलूं, तुम में थोड़ा शर्म कम है ना? मर्दों के बीच शर्म आना चाहिए, वो लोगों के बीच में नहीं। तुम्हारा मतलब मैं डडा हूँ? यस, मैं सांबा को खीर देकर आती हूँ। जा बच्ची जा, तेरी एंट्री और एग्जिट एक साथ। ये
ये मामूली खीर नहीं है, स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर है? हाँ। दिखाओ। चलो धो। ये तेरे अकेले के कपड़े हैं या पूरे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये सब मेरे हैं। क्या ये भी मुझे धोने हैं? कोई जरूरत नहीं, इसे मैं तुम्हारे गुरु से धुलवाऊंगी। पंगा भी लिया तो मेरे गुरु के साथ? गुरु को जानती नहीं, तुम्हें धो डालेगा। Thank you.
खो गए हम तेरे रस्ते। तूने जो देखा एक तीर फेंका जो दिल में उतरा आहिस्ते आहिस्ते। जादू का पहरा कुछ पे था गहरा देर लगी हमको समझते समझते। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते कांता माँ, ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है बाबूजी, लक्ष्मी। अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता। ये क्या है कांता माँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी बेटी 10वीं क्लास में 560 मार्क्स लेकर आई है। हाँ बाबूजी। फिर इतनी अच्छी पढ़ने वाली लड़की को पढ़ाई छोड़ाकर काम पे क्यों लगाना चाहती हो? ये पढ़ना तो चाहती है मगर हमारी हैसियत नहीं बेटा। देखो कांता माँ, पढ़ाई के लिए हैसियत नहीं लगन चाहिए। और फिर एक करोड़पति दूसरे को करोड़पति नहीं बना सकता, पर एक ग्रेजुएट 100 लोगों को ग्रेजुएट बना सकता है। पैसा तो हाथ का मैल होता है और पढ़ाई जीवन की राशि है। जिसमें सरस्वती का वास होता है उसके लिए लक्ष्मी नहीं होती है, कहकर ठुकराओ मत। देखो बहन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसी तरह तुम कल 4 लोगों को पढ़ाना। एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम है एक अनपढ़ को शिक्षा देना। रिमेंबर दिस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। देखो भाई, आपकी जीप को चकाचक चमका दिया है। आजकल तुझे धोने की आदत कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नहीं, इन्हें बोला। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, जीप निकाल कर आदमी बाहर ही जाता है, बाथरूम नहीं। मुझे फिर कॉलेज तक छोड़ देंगे प्लीज? बिल्कुल नहीं भाई, शहर जा रहे हैं कुछ काम से। जाने दे रहे, कॉलेज रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा। भाई आज जीप पे चढ़ रही है, कल सर पे चढ़ेगी। जब चढ़ेगी तब देख लेंगे। तुम बैठो। चढ़ाओ और भाई, ये सब नर्स हैं क्या? वो डॉक्टर डॉलिंग इंजेक्शन दोगी क्या? Idiot? भाई उसने आपको गाली दिया। अबे ओ पागल, वो गाली कहाँ देकर गई? वो तो मुझे बड़े ही प्यार से मुन्ना भाई MBBS के कर गई। ठीक है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कैसे आ गया? चलो भाग यहाँ से, चलो। अरे बाप रे, अरे ये तो सांबा की आइटम लगती है। अरे बाप रे, अरे हम लोगों ने कहीं सांबा की आइटम को छोड़ा तो नहीं ना? नहीं भाई। अच्छी तरह याद कर ले, कहीं गड़बड़ ना जाए। तू चुप हो गया? पीछे हट, कल से अपने को इस कॉलेज की तरफ देखना भी नहीं है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी सर। कॉलेज छूटने के बाद आना, छुट्टी लेकर मत आना। टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में। ठीक है सर। वो देख जा रहा है। आ इधर मत मारना भाई। मेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम? दोस्तों से मिलने आया था। बचपन से मेरे माँ बाप की यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर किस्मत ने मुझे गुंडा बना दिया। अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए कभी कभी व्हाइट कोट पहनकर आ जाता हूँ। आपने चश्मा उतारा, मैं कोट उतार रहा हूँ। भाई एक बात कहूँ, आपने मस्त आइटम पटाया है। आइटम? नहीं नहीं, गलती हो गई, हमारी भाभी जी। ए, आज के बाद इस कॉलेज के आसपास यहाँ वहाँ भटकता हुआ दिखा या 5 किलोमीटर दूर भी नजर आया ना तो? नहीं दिखूंगा भाई, मैं कभी नहीं दिखूंगा, मैं जा रहा हूँ भाई। ए, ए, ए। संध्या तो आखिर उसके घर में सेटल हो ही गई। घर में तो सेटल हो गई, अब अपनी शादी से। कितनी जल्दी शादी का फैसला भी कर लिया? मैं हमेशा फैसला सोच समझ कर करती हूँ। शादी करने के लिए उसके घर गई। एक बार सोच ले, इतनी जल्दी फैसला मत कर। मैंने डिसाइड कर लिया, शादी करूंगी तो सांबा से करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं। सर ऑटो चाहिए क्या? कामाक्षी कॉलोनी चलना है, चलोगे? जी लीजिए। नमस्कार भैया। नमस्ते, सांबा कहाँ है? ऑर्डर लेने दूसरे शहर गया है, रात तक आ जाएगा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? संध्या। इधर क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी गांव की हो? गाजियाबाद की। खाना अच्छा बना है, सांबा को भी खिलाना एक बार। मैं तो उसे जिंदगी भर खिलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम सांबा से प्यार करती हो?
मामा जी। मामा जी। सांबा बेटा। सांबा, सांबा बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा, क्या हुआ? बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सांबा, क्या हुआ बेटा? तो इस तरह क्यों कर रहा है? चलो, 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 अंदर चलो। नहीं सांबा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मामा। ऐसा नहीं करते बेटा, मुझे नहीं छोड़ूंगा किसी को बेटा, ऐसे नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, बैठो 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 बैठो, शांत हो जाओ बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी ने मुझसे कहा कि देख कर कह देना कि जिंदा हूँ, और ये भी कह देना कि अभी मरने वाला नहीं हूँ। कब जा रहे हो? कल सुबह जाऊंगा। मैंने कहा अभी जाओ, चले जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूं, अगर तुम सांभा से प्यार करती हो तो तुम उसे शादी कर लो। देखो बेटी, वो अपने गले में विष रख कर जी रहा है, तुम उसके गले में अमृत भर सकती हो। तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि सांबा की रक्षा करना और उसे सही सलामत इस गांव में भेजना। भाई, आप सांबा के पास गए थे ना भाई, वो वापस कब आएगा? वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, और ये आंसू अपने हाथों से पोछेगा। అమ్మగారు ఫోన్ చేశారా? లేదు బాబు, మొన్న తినది, మళ్ళీ తినలేదు. బీవీయా ప్యార్ కర్ రహీ హై. अंदर सलाखे ही सलाखे हैं और बाहर साथ साथ बीवियां, अंदर दुख ही दुख है और बाहर सुख ही सुख। ए, शर्म आ रही है। तुम लोग इस तरह शर्मा क्यों रहे हो? जाने दो ना भैया। छोटू कहाँ है? छोटे भैया हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? ये रहा भैया। भाई किसने की मेरे भाई की ये हालत? भाई इसमें सांबा की कोई गलती नहीं है, मैंने इसको बहुत समझाया उसके एरिया में मत जाना, लेकिन ये माना ही नहीं। वो रहता कहाँ है? आप वहाँ किस लिए जाओगे? वो कहीं भी रहता है, अगर आपको कुछ हो गया आपकी सातों बीवियाँ विधवा हो जाएंगी। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा बताओ? चलो भाई, आप बैठिए, मैं देखकर आता हूँ, बैठिए। ना हो तो ही अच्छा है। भैया सांबा है क्या? नहीं है ना? नहीं है सांबा घर पे? नहीं है भैया। भैया वो नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे, चलो हम लोग चलते हैं। ये कौन है? सांबा की आइटम है, उसको देखना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
लड़की को उठा लो। अरे बाप रे, गया कहाँ है? अरे ये सब क्या हो रहा है? लड़की को उठा लेंगे तो सांबा अपने आप चला आएगा। जरूर आएगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? तू घबरा मत, सांबा को बुलाने के लिए तुझे यहाँ पकड़ के लाया हूँ। तू चिंता मत कर, एकदम चिंता मत कर, समझी? सिस्टर कैसी हो? ए तुम लोग क्या देख रहे हो? मुंह उधर करो, चलो। ए तू क्या देख रहा है? लड़की के देखने की चीज है क्या? चल उठ। समझते नहीं? सांबा को पता चल गया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिस्टर लो ये पी लो, ये ब्रांडी नहीं है सिस्टर, इसे खास करके ज्यूस सेंटर से आपके लिए लाया हूँ। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टर। सिगरेट पी सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, आपको मैंने आज तक जिंदगी में किसी से विनती नहीं की है सिस्टर। सिस्टर सांबा से मेरी शिकायत मत करना सिस्टर। क्यों, सांबा से डरते हो? बिल्कुल, बहुत डर लगता है। क्यों सिस्टर? मुंबई में अनटॉप हिल इलाका पता है? जानती हूँ, मैं उस इलाके का दादा हुआ करता था। पब्लिक मेरे नाम से थर थराती थी, पुलिस को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितना कि मुझे मिला करती थी। वही मैं, जब वाइट शर्ट और जीन्स पहनकर मैं मार्केट में निकलता था तो लोगों की बोलती बंद। नमस्ते सत्ता भाई। हाँ नमस्ते। ए, क्या कर रहा है भाई? चल पैसे निकाल, चल। मगर एक दिन सिस्टर। भैया प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग रे मार्केट में उधर वसूली करो, चलो। आजकल हरियाणा ही दिखाई दे रहा है। कोमा में है। कोमा? आज तक फुल स्टॉप तो सुना था, ये कोमा क्या होता है रे? कोमा बोले तो आदमी अपने होश में नहीं रहता भाई, सालों साल पलंग पे पड़ा रहता है। अरे रक्षक फिल्म में सुनील शेट्टी जैसे पड़ा था, वही क्या? हाँ भाई वही है। ए बाजूवट, ए आज तो बहुत अच्छी लग रही है, घूमने चलती क्या? अरे टमाटर बहुत अच्छे हैं, दो चार किलो रख ले। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? संगम नगर का सत्या हूँ, अबे विरार में मारूंगा तो चचगेट में जाके गिरेगा, समझा क्या? चश्मा निकाल, चल। और उस दिन से मैं सचमुच में चला गया कोमा, और दो साल के बाद वापस आया हूँ। ए तू उधर पलट रहे? सिस्टर अगर आपने मेरी कंप्लेंट की तो मैं तो सीधा। मनीष जी कहाँ पर हैं? अपने ऑफिस में बैठे हैं, सीधा जाइए। भाई सांभा आया है। अच्छा वो आ गया। नमस्कार सर, मेरा नाम सांबा है। सांबा नाम सुन के सोचा था कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा, लेकिन तू तो एकदम बच्चा निकला। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? सर ना ये प्रदेश मेरा है, ना ही भाषा, ना शहर। हम यहाँ चार पैसे कमाने आए हैं सर। लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, इसको रहने की प्रॉब्लम थी, इसके लिए थोड़ी जगह दे दी। मेरी गलती की सजा ऐसे क्यों? और मैंने आपके भाई को मारा, ये मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दूँ? हाँ तूने मेरे भाई को मारा और तुझे माफ कर दूँ मैं। ए! बोला ना गलती हो गई, अब डिस्कशन क्यों? ए तुम यहाँ आओ, भाई बुला रहा है, जाओ। हट, ए वो इधर नहीं आएगी। ए! बीपी मत पढ़ाओ, बीपी मत पढ़ाओ, बड़े हो इसलिए इज्जत कर रहा था। गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। अरे यहाँ भाई जाओ, जाओ भाई, अरे भाई को जाओ। Hey!
इधर पीने के लिए एक पेग नहीं मिल रहे हैं और इधर हजारों पेग खराब हो रहे हैं। क्यों रे, तू गुंडा है? गुंडा है तू? ये है तेरी गुंडा कर दी? तेरी जगह पर आकर मारा, इससे कहते हैं दादागिरी। आग को छुओगे तो जल जाओगे, और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कि सांबा से टक्कर लोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मर जाओगे। सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा। सारे के सारे शराब बनाने वाले कोमा में चले गए, पूरी की पूरी शराब खराब हो गई, अब तो सिर्फ बोतल बची है। मनी भाई, मनी भाई, मनी, ए मनी, कोमा में चला गया? कितनी बार बोला था सांबा से पंगा मत ले मत ले, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। नतीजा देख लो, शीशे की तरह चकनाचूर हो गए। कोमा में चले गए तो सोना मैं ले लेता हूँ। आप तो कोमा में गए ही नहीं हो, आप तो पहलवान हो, आपकी क्या बॉडी है भाई। अगर आपको दोबारा मारेगा तब भी कुछ नहीं होगा। इस लड़के को किस चीज पर घमंड है? भगवान, मेरा सांबा कहाँ है? वो जहाँ कहीं भी रहे, बस उसे सही सलामत रखना प्रभु। नमस्ते जी। आवो जी। पंद्रह अगस्त तुहाडा तरीपाल खत्म हो रहा है, तुसी अपने शहर जा सकते हो। भैया, आपके तड़ी पार का समय खत्म हो गया। भैया जी, लगता है अपने सेठ जी अंदर बैठे हुए हैं। नमस्ते जी। माल, माल किधर है? सब जायदाद और अपने सभी परिवार वालों को खो चुका हूँ। कहाँ महलों में रहा करता था, अब उजाड़ खंडरों में रह रहा हूँ। आपने जो पैसा दिया है मैं उसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा और सब्र कर लीजिए। आप अगस्त 15 तक रुक जाइए, मेरा सामान मुझे मिल जाएगा, मैं सारा माल दे दूंगा। आखिरी चांस। भैया, क्या सांभा आएगा? आएगा, वो जरूर आएगा, वो शेर है, मुझे पूरा यकीन है, और मेरी जायदाद वापस दिलाएगा। देखो संध्या, तुम इस शहर में पढ़ने आई हो और मजाक में मेरे घर, ये मजाक मजाक ही रहे, प्यार में ना बदले। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो तुमसे प्यार कर सकती हूँ ना। भगवान ने इंसान को दो आंखें, दो हाथ और दो पैर दिए हैं, लेकिन दिल एक ही दिया है। तुम्हें पता है क्यों? ताकि किसी एक को दिया जाए, और तुम्हें पता है तुम मेरे दिल में नहीं हो। और उसी भगवान ने मुझे भी एक दिल दिया है सांबा, और इस दिल में तुम ही तुम बसे हो, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। संध्या, प्लीज भूल जा। तुम्हारी इजाजत लेके प्यार करूंगी तो वो प्यार नहीं होगा, तुम्हारे कहने से प्यार करना छोड़ दूं तो वो सच्चा प्यार नहीं। संध्या, पागलों जैसी बात मत करो। अगर मेरी बातें तुम्हें पागलों जैसी लगती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें चाटा नहीं मारा, एहसास कराया है। प्यार के नाम पे अपने आप को धोखा मत दो। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझसे प्यार जरूर करने लगोगे।
डाला है तूने इशारा क्या आँखों से कर डाला है तूने इशारा क्या सब हो चुका है तेरा अब है हमारा क्या चोरी चोरी तूने दिल को चुराया है आँखों में नींदों में तू ही समाया है ख्वाबों में तेरा ना जाना दूर एक पल भी अब तू न जाना कयार दिल रब्बा कर मैं क्या तौबा तेरी चाहत में मैं तो गई बाबा चिक चिक मैं चिक मैं सांबा हम दोनों ही बरसों से वनवास की जिंदगी गुजार रहे हैं कल हम दोनों का वनवास खत्म हो रहा है मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी शुक्रिया भगवान
क्या भैया, अभी तक सांभा नहीं आया। इंसान समय के साथ चलता है, समय इंसान के साथ नहीं। भाई भाई लगता है जिंदा है। हाँ हाँ भाई जल्दी उठाओ। हाँ सांभा चलो घर चलो। मेरा प्यारा सांभा मर गया, मेरा सांभा मर गया, मेरा जिगर का टुकड़ा मर गया। उसको मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हजारों आदमियों को भेजा, लेकिन सबके सब वापस आ गए। लेकिन भगवान की कृपा से सांभा ने ताकत पर भरोसा किया और मैंने भगवान पर, इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे खुशी के मौके पर अगर ये न्यूज मिल गया कि सांभा जिंदा है तो क्या होगा। क्या बकवास करता है, कैसे बचेगा वो, कैसे बचेगा वो। भाई भाई भाई, सांभा अभी भी जिंदा है, उसका इलाज उसके घर पे ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो कैसे बच सकता है। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई। ए भाई, अपना सर बाद में फोड़ना, पहले वहाँ भाग चलते हैं जहाँ से आए हैं। खा ले बहन, खा ले। पिताजी, आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है। डॉक्टर साहब, जरा इधर आइए। अभी कैसा है सांभा? अभी ठीक है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं है, उसे कुछ हो गया तो जनता को कंट्रोल करना मुश्किल है। उम्र में छोटा ही सही, पर लोगों के लिए वो भगवान है। एसपी साहब, आप कहते हैं वो भगवान है, भगवान की कभी मौत होती है क्या? डॉक्टर की दवा से ज्यादा लोगों की दुआएं काम आएगी। वो जिएगा, वो जरूर जिएगा, वो जिएगा। बहुत दिनों के बाद तेरे मंदिर में मैंने दीपक जलाया, क्यों पता है तुझे? क्योंकि तूने हमारे घर का चिराग बुझने से बचाया। मेरे पोते को बचा ले भगवान, वो हजार लोगों के घर का चिराग जलाएगा। दादी माँ, मेरा नाम संध्या है, मैं एसपी मोहनदास की बेटी हूँ। मैं और नंदिनी साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। नंदिनी से सांभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। उन लोगों ने सांभा को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश क्यों की, ये बताइए दादी माँ। सांभा इतना कठोर और इतने क्रूर दिल का इंसान कैसे बन गया दादी माँ? सांभा का मन बहुत कोमल था बेटी, लेकिन उसी सांभा को हालात ने कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांभा और सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव सांभा शिवा, मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांभा शिवा चौधरी। सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव। उधर रेड ड्रेस पहनी लड़की को देख, अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसे कब जीतने का वादा किया है। ये मैं शारजा, सेफ रहेगा बच्चू। ए, मैंने भी अपने ऊपर बैठे दादाजी से प्रॉमिस किया है कि जिंदगी में कभी हारूंगा नहीं, और सांभा ने अभी तक अपना वादा निभाया है। हारने को तैयार रहो या पीछे मुड़कर चलते बनो।
एसपी साहब, ये हमारे कॉलेज का हीरो है। पढ़ने में, लड़कियों को रुलाने में, मस्ती करने में सब में नंबर वन है। तुम धनराज जी के बेटे हो ना? जी हाँ सर। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, वो बहुत नेक दिल इंसान है, इस तरह उनका नाम रोशन करो। धन्यवाद सर। क्या रे, रास्ता क्यों रोका? कप देकर जा। हारने वाले को कप नहीं चप्पल मिलती है, हट पीछे। कब दे जा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है, बजा दोगे। बेकार पंगा लेने में क्या फायदा, हम ही साइड हो लेते हैं। बजा दो इनका बैंड। क्या रे, बच के भाग रहा है? क्या कहा, जल्दी में था इसलिए जा रहा था, समझे? गलतफहमी में मत रहना कि भाग रहा हूँ। इस ट्रेन को निकलने में 4 मिनट लगेंगे, तब तक तुम्हारा गेम बजा देता हूँ। आ जाओ। कॉलेज में पढ़ता है इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में आया तो जिंदा काट दूंगा, याद रखना। क्या मारा कंवर जी, अब तो वो किसी ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रहे। अच्छा हुआ मैंने उनको मार दिया, अगर यही हालत उन्होंने मेरी की होती तो ये बताओ कि उस समय मैं क्या करता। तुम्हें कौन मार सकता है कंवर जी? मान लो किसी ने मुझे मार दिया, मैं जिंदगी मौत से खेल रहा हूँ। तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो ना, बताओ क्या करूँगा? ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए, कोई पानी दे तो पानी नहीं पीना चाहिए, और इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ पट्टी मार लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी बॉडी को क्या हो सकता है? क्या कर रही हो? आंखों में चेहरा तेरा, देखो जहां तुझे देखो।
ये चाहेगा हमेशा, दिल तेरा ही है प्यासा। दिन दिन दिनक दिनक दिन 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 दे, मेरी सांसों में तेरी खुशबू, आंखों में चेहरा तेरा। गिने मुझे छुआ दीवाना यार मैं तेरा हुआ, बस अब तो मांगू मैं यही दुआ, छूटे कभी ना ये संगीरा। वादा है जाने जा, वादा है जाने जा, हम मर के भी होंगे ना जुदा। किता 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 दिन 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 दिनक दिनक दिन दिनक दिन दिन, मेरे सांसों में तेरी खुशबू, आंखों में चेहरा तेरा। मेरी जान हो, मेरा अरमान हो, तुम मेरी जिंदगी मेरी पहचान हो। जहाँ भी जाऊँ मैं तेरा ही साथ हो, कभी एक पल भी मुझसे होना ना खफा। जीजा जी, आप पूरे पैसे इस बंजर जमीन पे लगा रहे हैं, क्या ये उपजाऊ बनेगी? तुम इसे बंजर समझ रहे हो, मगर मैं इसे सोना समझता हूँ। देखना, यह जमीन एक दिन बहुत उपजाऊ बनेगी। इसके फसल आएगा, उससे मैं यहाँ के सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाऊंगा। क्या रे, सुना है कि सिनेमा हॉल के मालिक को मारा तूने? फिल्म देखने गया तो टिकट मांग रहा था। अरे टिकट मांगेगा ना, मार देगा क्या? मर जाता तो? मरने के लिए ही तो मारा था। सुना है तेरा बाप बंजर जमीन खुदवाने में पूरा पैसा लगवा रहा है, अगर ऐसा ही करता रहा ना तो कंगाल हो जाएगा, भीख मांगेगा। अरे कुछ नहीं भाई, वो घर में नई काम वाली आई है, उसके साथ अपना छोटा मस्ती कर रहा होगा। तू किधर जा रही है? उसका काम है करने दे। तेरे ससुर ने दहेज देकर तेरी से शादी करवाई है ना, इतनी सुंदर बीवी दी है, लेकिन फिर भी तू है कि उस बंजर जमीन के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर तुझे इस मामले में बात करने की क्या जरूरत है? अगर वो रोड पर आ गए ना तो हमारे सर पर बैठेंगे। गुस्से में चली गई, तेरी बीवी को भी बहुत अकड़ है। वैसे भी तेरा ससुरा और साला है ना, कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। खाना खाना, इसे खाना दो। क्या रे, लड़की कैसी है? अच्छी है जानकी। रो मत बहन, ससुराल में हमें सुख मिले इसके लिए किस्मत चाहिए, जो सब औरतों की नहीं होती। इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ भी बोले तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पिताजी और भाई ने क्या गुनाह किया है बोलो? उन्होंने तुम्हें इस घर में ब्याह कर भेजा है, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। जब माँ बाप घर वाले बेटी की शादी करते हैं तो बड़ा घर देखते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं करते बड़े लोगों के सीने में दिल है या नहीं। सब जान के खामोश रहते हैं। अरे यहाँ पर तो छुट्टियाँ खत्म हो गई है, मगर मैं नहीं आ सकती, प्रैक्टिकल्स चालू हो गए हैं, मगर मेरा कंवर जी के साथ अभी तक प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं हुआ। डॉक्टर बनकर गले में स्टेथोस्कोप डालने से बेहतर है कंवर जी मेरे गले में मंगलसूत्र बांधे। फिर से शुरू कर दी ना अपनी कंवर जी की रामायण। अरे तुम्हें ये रामायण लगता है? अगर मेरे कंवर जी जैसे तुम्हारे पास होते तब तुम्हें पता चलता। एक बार जरा अपने कंवर जी को फोन देना, मैं यहाँ से उनकी आवाज़ सुनकर पता लगाती हूँ कैसे हैं तुम्हारे कंवर जी। मैं फोन नहीं दूंगी क्योंकि तो चालू है। बकवास बनकर फोन दे। कंवर जी, मेरी सहेली आपसे बात करना चाहती है। हेलो, सांबा शिवा रेड्डी? पता है, सांबा शिवा रेड्डी, आपको सब सांबा कहकर पुकारते हैं। सुबह 5 बजे उठकर आप 7 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद नहा धोकर आप नाश्ते में दाल खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता। मुझे सब कुछ पता है, झूठ मत बोलिए। आप हर रोज कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले बैठकर खीर खाते हैं, है कि नहीं? ठीक कहा, और अभी भी खीर खाता हूँ। सुनो, अगर प्रोफेसर की बात इतने ध्यान से सुनोगी तो पढ़ाई में आगे बढ़ोगी। और सुनो, लड़कियों को इस तरह अनजान लड़कों से फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ? सुनो,
जी ये दोबारा फोन करे तो मुझे मत देना, ठीक है? प्लीज। ओके। क्यों रे, कैसी है फिनिशिंग टच? तेरे कवर जी की आवाज बहुत प्यारी है, सोचती हूँ कि एक दिन तेरे कवर जी को लेकर मैं घूमने जाऊँ। छी छी, बेशरम। चल फोन रख। नंदिनी बहुत लकी है, उसे सांबा जैसा पति मिल रहा है जो सही मायने में अच्छा इंसान है। नंदिनी को पटाकर उसके कंवर जी से तू शादी कर ले। अगर वो राजी हो जाए तो शादी कर लूंगी। अरे तू इंटरव्यू पे गया था, क्या हुआ? दो दिन बाद लेटर आ जाएगा। खाक लेटर आएगा, इसे इंटरव्यू से ज्यादा घर के काम में दिलचस्पी है। हाँ, आपकी आदतें आ गई है। हाँ हाँ, मेरी आदतें तुझ में आ गई है, लेकिन तेरी आदतें तेरे बेटे में ना आए। नंदू, तू उस कमरे में क्यों जा रही है? दादी के पास सोने के लिए। अरे दादी के साथ तो सांबा सोया है। तो वो सिर्फ सांबा की नानी है, मेरी कुछ नहीं, मैं वहीं पर सोऊंगी। जीजा जी, नंदू डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर हर वक्त कंवर जी कहकर पीछे पड़ी रहती है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन की क्या बात है, दोनों की जोड़ी तोता मैना की लगती है। आप ठहरे लड़के का बाप, मैं लड़की का बाप हूँ, किसी दिन हार्ट अटैक हो गया तो। तू फिक्र मत कर, नंदू बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। फिर तो कोई टेंशन नहीं, जम के खाऊंगा। बुढ़िया कहीं की, दो जवान दिलों के बीच में सो गई है, इतनी भी अकल नहीं है इसमें कि बाथरूम में जाए, हमें मौका दे। मौका दे रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो दादी? बाथरूम जाने के लिए कह रही थी ना। नहीं दादी, मैं भी तुम्हारी उम्र से इस उम्र तक आई हूँ, चल हट, मुझे कहानी मत सुना। कंवर जी उठो ना, कंवर जी मुझे एक और पप्पी दो ना। अभी कोई फायदा नहीं, अभी सोने दो, 12 बजे जब दादी जी सो जाएंगे उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर चलेंगे। बाहर नहीं। क्यों? मुझे डर लगता है कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होगा ना? ऊपर चलेंगे ना हम दोनों मिलकर, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तो? भरोसा रखो, वैसे भी तो हम शादी करने वाले हैं ना। दादी, कुंवर जी चलो, कुछ होगा तो नहीं ना? कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो। ए चलो ना, आ जाओ। ए, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे दादी, तुम अभी तक सोई नहीं, पता है मैं जा रहा था तो ये मेरे पीछे आ गए, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? नाटक बंद करके चुपचाप सो जाओ। मार दूंगी। सो जा। इधर कैसे आए, रास्ता भूल गए क्या? खाना लाया हूँ। क्या पिताजी, आप टाइम पे आके खाना नहीं खा सकते? वहाँ दादी मेरा दिमाग खाती है, कह रही थी हफ्ते भर से खाना घर पे नहीं खाया। खाना खाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, और रोज ही तो खाना खाते हैं, इधर जो भी मिलता है खा लेता हूँ। और आज तुम कॉलेज नहीं गए बेटा? अरे रोज तो कॉलेज जाता हूँ, आज कहीं भी पढ़ लूंगा। जीजा जी, ये आपको टिफिन पहुंचाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठा है, और इसके पीछे मेरी बेटी अपनी पढ़ाई, इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा बोल रहे मामा जी। सच तो है, तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, अगर एक बार उम्र निकल जाए तो इंसान चाह कर भी पढ़ नहीं पाता है, अफसोस करता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है। मैं भी यहाँ के लोगों की तरह बम और तलवार लेकर घूमा करता था, पर तुम्हारी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था, वो पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करती थी। मुझे सिग्नेचर करना सिखाने की बहुत कोशिश की तुम्हारी माँ ने। जब तुम्हारी माँ मुझे सिग्नेचर करना सिखा रही थी उस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे, ठीक उसी समय तुम्हारी माँ के पेट में अचानक दर्द होने लगा और वो दर्द से गिर पड़ी। बेटा जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। हम अनपढ़ लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि 05 पर फोन करने से एम्बुलेंस घर पर आ जाती है। हम अनपढ़ लोग बस देखते ही रह गए। तुम्हारी माँ जो पढ़ सकती थी वो उस वक्त कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम्हारी माँ को एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए था, मगर हम उसे ट्रैक्टर में लेकर शहर गए। तुम्हारी माँ मरते समय ये बताकर गई कि इंसान के लिए पढ़ाई कितना जरूरी है। तुम्हारी इतनी सारी तलवारों में से कोई भी तलवार मेरी जान नहीं बचा पाई ना। अगर तुम्हारे हाथ में कलम होती तो एक पैसे वाला दूसरे को पैसे वाला नहीं बना सकता, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान हजार इंसानों को पढ़ा लिखा बना सकता है। पैसा हाथ का मैल होता है,
पर जितना पढ़ोगे उन्नति उतनी ज्यादा होगी। इंसान के लिए अन्नदान से भी बड़ा महादान होता है विद्या का दान करना। अपने सभी लोगों को तलवार छोड़कर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें समझाइए। मेरी ताकत और पैसा कुछ भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया बेटा। आजकल तो लोगों ने पढ़ाई लिखाई को पूरी तरह बिजनेस बना लिया है। आजकल कॉलेज में लाखों रुपए देकर भी सीट नहीं मिलती। ये अमीर लोग जो काम आज तक नहीं कर पाए वही काम हमारे परिवार को करना है। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, यही काम करूंगा। तू यहाँ पर क्यों रहेगा? तेरी पढ़ाई खराब होगी। नहीं पिताजी, माँ ने कहा था ना, एक पढ़ेगा तो हजारों को पढ़ाएगा। अगर पूरा गांव पढ़ लिख गया तो देश की उन्नति होगी। चार फिट और खुदाई करेंगे तो ग्रेनाइट निकलेगा और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इससे आपका सपना पूरा हो सकता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। सुना है कि ग्रेनाइट निकला है? जी हाँ, अभी इंजीनियर साहब ने यही बताया है। इंजीनियर साहब ने तो आपको अभी बताया है, मेरे छोटे भाई ने तो बहुत पहले बता दिया था कि इस बंजर जमीन से जब ग्रेनाइट निकलेगा मेरे ससुर जी मुझे दहेज में देंगे। और जब आज इसकी बात सच हो गई है तो इसे जमीन मिलनी चाहिए। क्यों छोटे? हाँ भैया, इस जमीन की खुदाई पैसों के लिए नहीं, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया है। देखिए आप इस मामले में मत आइए। देखिए समधी जी, इन गरीबों के लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें दूर से ही खाना खिला दो तो आपके पैरों में पड़े रहेंगे, माथे का तिलक बना रहेगा और तन पे कपड़े रहेंगे। इनके हाथों में बम और तलवार देकर पीछे खड़ा रखिए, प्लेट और पेंसिल देकर साथ मत बिठाइए। सब तुम्हारी तरह सोचते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, इतनी दुख और इतनी तकलीफें दी। लेकिन इसके बाद जब भारत में कई लोग शिक्षित होने लगे तो इस देश में कई कवि, कई कलाकार, कई साइंटिस्ट हुए, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे गांव के लोगों के हाथ में हथियार दे दिए गए। हमारे गांव की बेटी कोई ब्याहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि देना भी नहीं चाहता। सामने वाला आदमी ये सोचता है कि वो इंसान से नहीं बम से रिश्ता जोड़ रहा है। बदलना चाहिए, ये सब बदलना चाहिए। इस जमीन से जो पैसा आएगा उससे यहाँ के लेबर्स के बच्चे पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। वैक्सीनेशन के बारे में सोचने वाले लोगों को एक न एक दिन यहाँ से निकलना होगा। तुम अकेले ही सब कुछ बदल दोगे? दुनिया जब शुरू हुई थी तो एक ही इंसान से शुरू हुई थी, और तूफान भी जब आता है तो एक ही छोटे से कण से शुरू होता है। माना आज हम अकेले हैं, मगर कुछ सालों बाद आप देख लीजिएगा हजारों लोग हमारे साथ होंगे। चाहे तो सारी जायदाद आप ले लें, मगर सपने नहीं, आप जा सकते हैं। नमस्कार। तुमने जो कुछ भी कहा वाकई में सच कहा, चलता हूं। नमस्ते बेटा। हमने उन्हें बेटी दिया है, नरमी से पेश आना चाहिए था। इससे ज्यादा नरमी से बात करना मुझे नहीं आता पिताजी। ए, तेरे बाप को दामाद से ज्यादा गांव वाले प्यारे हो गए। सुन, जा और जाकर अपने बाप को बोल दे कि जमीन मेरे नाम कर दे। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपने पिताजी से ये नहीं कहूंगी। बोल, जवान लड़ाएगी? ए, छोड़ी से पागल हो गया क्या? जान से मार देगा क्या? हाँ, बीवी से ज्यादा जमीन प्यारी है ना, तो बीवी के साथ घर मत बसा। मैं बसाऊंगा। नहीं छोटे, गलत बात है। मैं बसाऊंगा। ए, बोल, इसको गलत बात है। मैं बसाऊंगा। बोल ना। ठीक है। मुझे मारा तो तू इंसान है या जानवर? हट जा।
पीछा नहीं मार डालूंगा। अरे छोटे गलत बात है, चल चल तू इधर से चल। हाँ इधर क्या कर रहा है, चल ना तू, छोटे गलत बात है, चल ना तू जा। ये क्या है जी, ये घर है या बाजार? अपनी भाभी पे बुरी नजर, तो क्या करेंगे? भाई गलती करेगा तो उसे मार देंगे क्या? तू ओवर रिएक्ट मत कर, उसका दिल तुम पर आ गया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। छोटी बहू मुझे माफ करना, मेरे सारे भाई लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इसलिए तो मैं उनकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। ये तो तेरा पति थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसलिए तेरे बाप को बेवकूफ बनाकर शादी करा दी। इसीलिए बहू मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे घर में कुछ हो जाए। ऐसा करो तुम अपने महके चली जाओ, चली जाओ और पेपर्स पर साइन करवा के ले आओ। मारा ना जोक, खाना खाओ। अरे वाह दादी, और डालो ना। ओ दादी इतना घी मत डालो। और नहीं दादी, इतना घी खाने से हार्ट अटैक होगा। कोई अटैक वटैक नहीं होगा, दादी के हाथ का खाना खाया है मैंने। क्यों दादी, ठीक है ना? हाँ, मेरा प्यार। दीदी 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 तुम अचानक कैसे? मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। बस यूं ही आप लोगों से मिलने को जी कर रहा था। जानकी हाथ मुंह धो लो फिर आकर हमारे साथ खा लो बेटी। ये खाना दीदी बिल्कुल नहीं खाएगी। दीदी की मनपसंद का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। दीदी 10 मिनट्स मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ये छोटे चल। ये सब साड़ियाँ तुम्हारे रमानंद चाचा ने भेजा है, ये सब कलर तुम्हारे पे फपती है, जाते वक्त ससुराल लेकर जाना। कलर सिर्फ साड़ियों में है, इसके चेहरे पर नहीं, पूछो तो इससे क्या हुआ? बोलो बेटी। पिताजी शादी से पहले और शादी के बाद भी बेटी की अपनी किस्मत होती है, दादी तो यूं ही कह रही है। दादी, ए दादी। हाँ। ये देखो ताजा मुर्गा लेकर आया हूँ, अच्छे से मसाला डालना, मैं अपने हाथों से दीदी को खिलाऊंगा। क्यों, इसके ससुराल वाले इसे खाना नहीं खिलाते क्या? पिताजी ससुराल में जो खाना मिलता है उससे पेट तो जरूर भरता है, लेकिन मायके का प्यार नहीं। लो दीदी खालो, खालो, खालो दीदी, ए, खालो, खालो, ए। अरे बेटा छोड़ ना, ऐसे मुंह में मत डाल। क्यों, जब मैं छोटा बच्चा था तब ये कैसे खिलाती थी, याद है आपको? सांबा। अरे रे, क्यों जबरदस्ती ठूस रही है बेटी? क्यों पिताजी, माँ अगर जिंदा होती तो ऐसे ही खिलाती ना। तुम्हारे भाई के लिए तुम ही माँ की तरह हो बेटी, अपनी माँ को याद करके मुझे और दुखी मत करो, ठीक है बेटी? आदरणीय पिताजी और भैया, इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। पिताजी। बेटी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है पिताजी, क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ? बेटी सो जा। तुम आराम से सो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा काम है बेटी, अचानक याद आ गया, तू सो जा। अरे समधी जी, बेवक्त कैसे आना हुआ? बेवक्त बेमतलब मैं यूं ही किसी घर नहीं आता, मेरी बेटी के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। मतलब जानकी ने सब कुछ बता दिया? मेरी बेटी की आदतें ऐसी नहीं है कि वो ससुराल की बातें मायके में करे। बेवजह मेरी बेटी जब मेरे घर पर आई तो आधी बात मैं समझ गया, फिर जब मेरी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, तो मैं समझ गया कि उसे पति का प्यार नहीं मिला। तुम्हारे लिए मेरी बेटी से महत्वपूर्ण वो जमीन हो गई, गरीबों को पढ़ाने का वादा करने वाला ये धर्मराज तुम्हें वो जमीन देने नहीं आया है,
अपनी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसाने और उसे सुखी देखने के लिए एक बाप यहां पे आया है। पेपर्स लिख कर देता हूं, रजिस्टर करवा लेना। अरे छोटे पेपर लेके आ, उसे कॉल आने को। अरे तू जाके लेके आ। ठीक है। जानते हैं समधी जी, हमारे पिताजी बहुत ही चालाक थे। उन्हें पता था लड़कियों को जन्म देने से तकलीफ होगी, इसलिए लड़कों को जन्म दिया। बेटी के लिए कष्ट उठाने में एक अलग ही आनंद है। कष्ट करना होगा, इसलिए कोई बाप बेटी ना चाहे वो मेरी नजर में बाप नहीं है। अरे मुझे नहीं, अपने दामाद को दीजिए। अरे ले ले, ससुर दे रहे हैं। ये लो, कन्यादान किया है इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का। आज उन्हीं आंखों से आंसू बहाया है तुम लोगों ने। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। जिंदगी में पहली बार अपने वादे से फिर गया हूं पिताजी, और यही आखिरी बार होना चाहिए। पिताजी! चाचा जी, जानकी और मैं सगी बहनें तो नहीं थी, पर सगी जैसी थी। इसे जन्म जानकी ने दिया, पर मैंने पाला है, इसीलिए मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ। लेके जा बेटी, उस नरक से कम ये तो वहां तुलसी पत्ते के समान रहेगा। जानकी क्यों मरी ये जानने के बाद भी मैं चुप क्यों बैठा हूं तुम्हें पता है? अगर सांबा को इस बारे में पता चल गया तो ना जाने कितनी लाशें गिरेंगी, इसी का डर है मुझे। अपने पति से कहो के इंसान बनकर रहे। आइए आइए, पधारिए। ये हैं बाबू सेठ, अमृतसर से पत्थर खरीदने आए हैं। इससे पहले रेती, पत्थर का चूरा, खराब पत्थर सब इन्होंने खरीदे। नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे साहब पशुपति जी। क्या पशु? पशुपति यानी एनिमल का नायक। क्या बकवास कर रहा है? यानी पशुपति, इंग्लिश में बता रहा था। ये रहे आपके 25 लाख एडवांस। अरे ले ले, 25 लाख मतलब 25 लाख ही है ना? अभी 25 लाख रुपये दे रहे हैं ना, रख लीजिए। ठीक है सेठ जी, अगली बार जब आप आए तो पूरा पैसा देकर अपने साथ पत्थर ले जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। हम लोग बुरे हैं क्या? छोटे मालकिन, जाइए पिताजी, अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूंगा। ऐसे मुंह क्या लटका रखा है, इधर ध्यान दो। हाँ, अरे भागो। जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर पूरी नजर रखना। Thank you.
अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। ए, तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है, हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी लाता हूँ दूध में। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं है लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है, देख देख देख। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल फिर बोल। तो मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है? देख इसे देख इसे, इसको रोना चाहिए लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ, कार दिखता हूँ। मालूम है तो पूछ कर क्यों कन्फर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मार कर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही। मार दो सबको। ए, विद्यालय का मतलब होता है देवालय, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनो। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका, यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले है ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का? ए, आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, एक मिनट भाई। सेठ जी का फोन है, क्या बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं, थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। आहा, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला,
मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब हम आत्महत्या कर लेते हैं। अरे अरे क्या करते हो? क्या करता है? अपनी जुबान पे समझा। जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे जेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स, आपको नहीं जोशी को। ए धर्मा के साइन करो पेपर अपने पास है ना, उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। ए नोटिस क्यों भेजा रहे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है, ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना सांबा? तू भूल रहा है कि तू कहां बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना चला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। ए सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी पशु। ताल ठोक कर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काटूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो, दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो, मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारो किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या? डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दे किस। करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलो। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कंवर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। नहीं कंवर जी, प्लीज दे दो। नहीं दे दो ना, नहीं कंवर जी, दे दो, दे दो। मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी, होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी। तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवाने तू देखना यू दिन में सपना, कर ले बुकिंग मेरी, मैं हूँ आशिक पहला, सोच की ऐसी बातें ना दिल को बहला। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी, होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी। ओ आशिक दीवाने छोकरे, तू मेरी राह न रोकरे, डाल नमक पे
से तू हो गई है जवां, होश मुझे जानम है कहां, शाम सवेरे दिल पे मेरे छाया तेरा नशा। ओ पागल छोरे तू पता मैं हसीन हूँ, मेरी क्या पता तुझसे ना संभला दे तेरा तो मैं करूँ भी क्या। देखूं तुझे दिल ये डोले रे, दिल दे दे दिल मेरा बोले रे। जा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवानी तू देखना क्यों दिल में सपना। कर ले बुकिंग मेरी मैं आशिक हूँ पहला, सोच की ऐसी बातें ना दिल को बहला। नमस्ते माता जी। शाम्बा है क्या? नहीं है, वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे? पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी, बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ। है क्या समझे जी? समझे जी? समझे जी? अरे समझे जी, मुझे माफ कर दो समझे जी, माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था मैं पी के आया हूँ? मुझे आदत नहीं। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। देखो डरो मत, बाहर जाओ कंवर जी, कंवर जी। मुझे माफ करना बहन। Enjoying
ताकत भरो, उसे रिमांड से मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? आज तक नहीं जा पाए। भगवान, तेरी क्या लीला है? इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया? ये अन्याय है जी। चले, तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी है? चलो। नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भागने पाए। नंदू, नहीं, हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 पिताजी। इतना सब कुछ कैसे हो गया? वो मैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, He's a cold-blooded bastard. अच्छा, मैं cold हूँ और वो सांबा हिट है। Cold-blooded bastard का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। हाँ। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए, हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। हाँ? सर, सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल चल बाहर। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा, एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या, तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें। इन दोनों को एक साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं, इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। एक साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी हो सकता है? सर, आज का गुस्सा महीने, छह महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर, आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से। मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब, वो आ गए। पशुपति, पशुपति,
ए पशुपति शांतो पागल हो गया ये पुलिस कंट्रोल रूम है अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा शांत हो जा शांत हो जा थामा थामा आई कैन स्टॉप इट आई कैन स्टॉप इट शांत हो जा जल्दी से चली लेके आओ यस सर अरे बाप रे अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं अभी सामने देख रहा हूँ आपका टाइम अच्छा था शेर को काबू में पा लिया नहीं तो राम नाम सत्य था आपका तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे कहा था ना तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी समझे सर मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए उसे मेरे हवाले कीजिए मैं दबा डालूंगा सांबा मेरी बात सुनो लॉ एंड ऑर्डर को मानकर तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग चलते हैं वरना हलक से जवान निकाल लेगा अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं भाई मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से यही सही है बाकी बाद में देखेंगे मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ जो बोल रहा हूँ सुनो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो समझने की कोशिश करो एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया चलता हूँ मामा जी राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है वो जनता आस लगाए बैठे थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले दादी माँ कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा संदेह तुम यहाँ पर मैं सांबा को जानती हूँ मतलब प्यार करती हूँ उसी से शादी भी करना चाहती हूँ सांबा से शादी करोगी तुम ये कैसे हो सकता है मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ मैं खुद कर लूंगी ससुर जी अरे कहाँ है अरे ससुर जी भूल गए क्या यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था अरे याद है कि भूल गए तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है अरे लक्ष्मी लक्ष्मी अरे ये क्या हुलिया बना रखा है क्या है अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या सोचा था तुम मर गए होगे सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा अरे 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 देख इसे देख अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए आप रहो न रहो उसे क्या फर्क पड़ता है मालकी ने तो अपनी बात आखिर रखी दी आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला तुझे बुरा नहीं लगा सिंदूर पोंछ कर गलती नहीं की उसने मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं जा जा फिर से इस गांव में कदम मत रखना समझे क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा देखो सांबा मरा नहीं है वो शाणा अभी तक जिंदा है उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा पैसे मैं क्यों दूंगा तू पैसे वाला इसलिए पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा क्या बोला तुझे बुलाने की जरूरत नहीं मैं खुद बुलाता हूँ ए प्रसाद तुझसे जो पैसे मांगे थे ना इसी को देने अरे अंदर जाके तिजोरी तोड़ के पैसे निकाल लो ना जाओ और इसे भी अंदर बंद कर दो पैसे मिल गए ए प्लान बता गौर से सुनो सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है
उसके घर से वो जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहां तक पहुंचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे जो ऑलरेडी तैयार है, लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित, और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियां कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? चुप, कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुँह से अच्छा निकाला है। ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको जी, ले जा इसको। हम लोग उधर चलते हैं। चलो, तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, क्या सफारी में निकला है? हाँ। तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी में निकल चुका है, अरे तीसरे नंबर की गाड़ी क्या में हो रहा है पशुपति? अरे यार इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांभा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ हमारी? किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। चुप, मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद, 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या क्या, तेरा ससुर मर गया, चुप जा बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आने वाली है आपकी तो मौत, ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से 12 24 हो गई क्या? हाँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, बहुत बड़ी टेंशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब वो 24 गाड़ियों में आ रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ, ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में, अब आप ही कुछ करो। डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास माल काफी है, सारी गाड़ियाँ उड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ, वो बच गया तो हमें उसे मारना होगा। उफ।
जल्दी उड़ा उसे। उड़ा दे उसे। हाँ? अरे ये क्या हमारी ही गाड़ियां उड़ गई? बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई? ना सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं, बोलिए क्या करूँ? मार डालो। ए, तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ। चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा, कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे अरे कहाँ जा रहा है?
देखिए पिताजी, आज मैंने आपके सपने की लाज रख ली है। आज मैंने इन लोगों को वैक्सीनेशन से उबार लिया है। कल तक जो अंधविश्वास की बात करते थे, आज से पढ़ाई की करेंगे।